स्वागत है आपका आज आमेर फोर्ट में, जो कि जयपुर का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला और सबसे बड़ा फोर्ट कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो में जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट को दिखा चुका हूं और आज मैं आमेर फोर्ट को कवर करने के लिए आया हूं। गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर से कोई विरला ही होगा जो वाकिफ ना हो। भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक, राजस्थान की राजधानी, जो अपने खान पान से लेकर समृद्ध इतिहास, संस्कृति और कला के कारण भी दुनिया भर में फेमस है। कहा जाता है कि इस शहर को वेल्स के राजकुमार के स्वागत की खुशी में गुलाबी रंग से रंगा गया था और तभी से इसे गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर शहर का नाम आते ही यहाँ के बड़े बड़े और भव्य किले दिलो दिमाग में तैरने लगते हैं और इन्हीं किलों में निसंदेह सबसे पहले जिस किले की छवि उभरती है वह है खूबसूरत आमेर किला। राजस्थान जयपुर शहर को और ज्यादा खूबसूरत बना देने वाला यह आमेर किला अंबर किला के नाम से भी जाना जाता है। यह किला न केवल जयपुर शहर बल्कि पूरे राजस्थान के शानदार पर्यटक स्थलों में से एक है। आमेर किला इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पर हर रोज 6,000 से अधिक लोग घूमने के लिए आते हैं। यह किला राज्य की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर इसकी इतिहास की बात करें तो यह कभी जयपुर रियासत की राजधानी हुआ करती थी। यह किला राजपूत शासकों का निवास स्थान हुआ करता था। मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1592 में 11वीं सदी के किले के अवशेषों पर इसका निर्माण शुरू करवाया था। राजस्थान में 6 पहाड़ी किलों के समूह के हिस्से के रूप में किले को 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया। इस किले की वास्तुकला राजपूत, हिंदू और मुगल इस्लामिक शैलियों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। माना जाता है कि 1967 में मेड़ाओं के एक उपकुल में आमेर शहर और आमेर का किला राजा एलन सिंह चंदा द्वारा बसाया और बनाया गया था। क्योंकि मीना अंबा माता की भक्त थी, इसलिए उन्होंने अपने किले का नाम उनके नाम पर आमेर के किले रखा। पहाड़ी पर ऊंचे स्थान स्थित इस किले को मावटा झील दिखाई देती है। यह झील ही आमेर पैलेस के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। देखिए इसकी खूबसूरती यहाँ से देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आमेर और जयगढ़ किले को एक ही संरचना के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये दोनों लगभग एक ही परिसर में, और खास बात यह है कि एक ही भूमिगत मार्ग दोनों किलों को आपस में जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि किसी युद्ध के समय या जब किसी दुश्मन हमला कर दे तो उन हमलों से बचने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया जाता था। किले का निर्माण सम्राट अकबर और नवरत्नों में से एक राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। बाद में अन्य राजपूत शासकों द्वारा इसका आगे विस्तार किया गया। अपनी अद्भुत वास्तुकला के साथ जो मुगल और हिंदू शैलियों को जोड़ती है, लाल बोलो पत्थर और संगमरमर से बना किला अपने उच्च प्राचीन कई द्वारों, पत्थरों और रास्तों और शानदार दृश्यों का कारण खास प्रसिद्ध है। और यहां से देख सकते हैं, ये है शीश महल। अभी हम इसके अंदर चल के जाएंगे, बड़ा ही खूबसूरत बनाया गया है। जैसे ही आप शीश महल में जाएंगे और आपको हैरान कर देने वाली नक्काशी दिखाई देगी, जिसे जादुई फूल के रूप में जाना जाता है। इस महल के एक स्तंभ पर संगमरमर के पैनल पर उकेरा गया है। इस पर कमल, शेर की पूंछ, बिच्छू, हूड़ वाला कोबरा, मछली की पूंछ, सिलिया मकई और एक हाथी की सूंड सहित 7 सुंदर डिजाइन उकेरे गए हैं। हर एक डिजाइन को देखने के लिए आपको पैनल को अपने हाथों से आंशिक रूप से ढकना होगा। यह नकाशी एक कलात्मक चमत्कार से कम नहीं लगती। शीश महल आमेर किले के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जिसे चारों ओर दर्पण और रंगीन कांच का प्रयोग किया गया है। यहाँ अगर एक भी मोमबत्ती जलाई जाती है तो शीश महल के अंदर हजारों दर्पण
में उनके प्रतिबिंब हजारों सितारों की तरह दिखाई देते। अद्भुत कारीगरी का बेहतरीन नमूना है ये शीश महल। यहाँ से देख सकते हैं इसकी आर्ट, हर चीज को मैंने एक बड़ी डीपली कवर करने की कोशिश की है। इसकी जो आर्ट है मैंने बड़ी डीपली के साथ इसको पिक्चर लेने की कोशिश की है, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिएगा यहाँ से इसकी आर्ट, बहुत ही खूबसूरत आर्ट है इसकी। यहाँ से आप देखिए, ये देखिए बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना एम्बर किले में चार आंगनों महल हाल और उद्यानों की एक श्रृंखला है। आपको इस प्रवेश द्वार पर एक प्रमुख प्रांगण दिखाई देगा जिसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। ये देखिए यहां से इसकी नक्काशी, कितनी खूबसूरती से इसको दिखाया गया है। हर चीज को मैंने एक डीपली से कोशिश करी है लेने की। देखिए यहां से इसका व्यू, किले के अंदर जलेब चौक प्रांगण से आप इसकी आलीशान सीढ़ियों से दूर प्रांगण में पहुंचेंगे जिसमें दीवाने आम, जहां आपको अनेक स्तंभ दिखाई देंगे। जब आप फ्रंट पे जब एंटर करके आएंगे तो आपने देखे होंगे कितने सारे वहां पे स्तंभ थे, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था इसका व्यू। और जब आप ऊपर चढ़ के जाएंगे तो तब भी इसका व्यू बहुत प्यारा दिखाई देता है। और राज्य के समृद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से अमर किले में हर शाम लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाता है। अधिकतर टूरिस्ट स्पेशली यह शो देखने के लिए आते हैं। यह शो लगभग 50 मिनट तक चलता है। टूरिस्ट इसको शो को अलग टिकट लेनी होती है। आमेर किले में पर्यटकों के लिए मीना बाजार भी बनाया गया है, जहां से देसी विदेशी अलग अलग तरह के परफ्यूम, राजस्थानी ज्वेलरी, परंपरागत परिधान, अन्य होम डेकोरेटिव आइटम्स भी खरीद सकते हैं आप। राजस्थान के इस भव्य और आकर्षित किले में कई सुपरहिट हिंदी फिल्मों के जैसे बाजीराव मस्तानी, शुद्ध देसी घी, रोमांस, मुगले आजम, भूल भुलैया, जोधा अकबर आदि शामिल हैं, जिनकी शूटिंग यहाँ हो चुकी है। यहाँ से देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। ये देखिए कितना ही खूबसूरत व्यू है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको सामने से देखा। जब आप देखेंगे इसको सामने से तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये थी एक इसकी जानकारी, इसकी हिस्ट्री जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब मैं आपको बता दूं कि आमेर जाने का सबसे अच्छा समय, अगर आप इस किले की खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं, तो सर्दियों के समय में नवंबर से मार्च महीने के बीच यहाँ जाना सबसे अच्छा माना जाता है। इस कारण यह है, रेतीला राजस्थान में दिन के समय मौसम गर्म रहता है, ऐसे में धूप और सूरज की गर्मी कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सर्दियों में ही जयपुर जैसे शहर की यात्रा करने की प्लानिंग करें। ये देखिए यहाँ से। और इसकी टिकट के बारे में बता दूं, आमेर किले के लिए विदेशी सैलानियों से ₹250 और भारतीय सैलानियों से टिकट के ₹50 लिए जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जयपुर शहर की यात्रा करते समय अपने स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड ले जाना ना भूलिए। किले की सैर के लिए मिलने वाली टिकटों पर स्टूडेंट को भारी छूट मिल जाती है, मुझे भी मिली। इसके अलावा 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ ज़्यादातर जगहों पर टिकट निःशुल्क है। और यहाँ से देख सकते हैं, यहीं से मैं एग्जिट की ओर जाते हुए, यहीं से अब मैं किले के बाहर जाऊँगा। और मैं आशा करता हूँ मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है इसको, पूरे फोर्ट को, और आपको दिखाने की कोशिश करी है। यहीं से मैं अपने वीडियो को एग्जिट करते हुए, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी जानकारी दी है इसकी, पूरी फोर्ट की। तो यहीं से मैं एग्जिट करते हुए, देख सकते हैं बहुत अच्छा खचा क्राउड रहता है सर्दियों में, आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। So that's the end of my video. Goodbye, guys.